नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे कि साइट पर प्लास्टर को मापकर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट कैसे करते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप एक दीवार पर हुए प्लास्टर को मापकर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट निकालना सीख गए तो आप पूरे घर में हुए प्लास्टर को मापकर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए हम आपको सीधा साइट पर लिए चलते हैं और देखते हैं कि प्लास्टर को मापकर कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस दीवार पर प्लास्टर वर्क हो चुका है। इसी दीवार को माप के हम कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट निकालना सीखेंगे। तो दीवार को मापने के लिए आपके पास टेप होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो टेप है, एक 30 फीट का है और एक 5 फीट का है। तो सबसे पहले आपको दीवार की लंबाई माप लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर दीवार की लंबाई की डायरेक्शन में एक टेप लगा रखा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर दीवार की लंबाई कितनी है। तो दीवार की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 9 फीट 11 इंच है। आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए कि 9 फीट 11 इंच है। तो चलिए हम दीवार की जो लंबाई है वो 9 फीट 11 इंच लिख लेते हैं। दीवार की लंबाई मापने के बाद अब आपको दीवार की ऊंचाई माप लेनी है। तो दीवार की ऊंचाई मापने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में टेप लगा रखा है। टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि दीवार की जो ऊंचाई है वो 10 फीट 1 इंच है। आप ध्यान से देख लीजिए, 10 फीट 1 इंच है। तो इसी तरीके से आपको दीवार की ऊंचाई माप लेनी है। तो चलिए लिख लेते हैं कि 10 फीट 1 इंच दीवार की ऊंचाई हो गई। तो हमने यहाँ पर भी आपको समझाने के लिए एक दीवार बना रखी है। तो यहाँ पर जिस दीवार को हमने मापा है उसी की डायमेंशन हम यहाँ पर लिख देंगे। तो दीवार की जो हमने लंबाई मापी थी वो 9 फीट 11 इंच थी, तो यहाँ लिख दी। तो दीवार की ऊंचाई की बात करें तो 10 फीट 1 इंच आई थी, तो यहाँ पर हम 10 फीट 1 इंच लिख देंगे। तो जिस दीवार पर प्लास्टर वर्क हुआ है उस दीवार की लंबाई और हाइट मापने के बाद, यानी कि लेंथ और हाइट मापने के बाद, आपको नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट ऑल इंच यूनिट टू फिट, यानी कि जितनी भी इंच की वैल्यू आई है उसको आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब आपने दीवार की लंबाई मापी तो दीवार की जो लंबाई है वो 9 फीट 11 इंच आई थी। तो इस 11 इंच को आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। इसी तरीके से जब आपने प्लास्टर की ऊंचाई मापी, 10 फीट 1 इंच आई, तो इस 1 इंच को आपको फिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो इंच को फिट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी इंच की वैल्यू में यदि आप 12 से भाग दे देंगे, यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे, तो इंच की वैल्यू फिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस 11 इंच को फिट में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली इसी फॉर्मूले पर रखेंगे, 11 इंच यानी कि 11 इंच डिवाइड बाई 12। यहाँ पर 12 इसलिए आया क्योंकि एक फिट में 12 इंच होते हैं, इसीलिए आप किसी भी इंच की वैल्यू में ये 12 से भाग दे देंगे तो वो वैल्यू जो है फिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 इंच हो गया डिवाइड बाई, यानी कि भाग कर दिया 12। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं 0.9167 फिट आया, यानी कि 11 इंच को यदि आप फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9167 फिट आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी तरीके से आपको 1 इंच को फिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 इंच को फिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिवाइड बाई 12 कर देना है। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.0833 फिट आ गया, यानी कि 1 इंच में 0.0833 फिट होता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.0833 फिट। तो इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के बाद आप इस 9 फीट 11 इंच को, 9 पॉइंट आपने 11 इंच को फिट में कन्वर्ट किया तो आप देख सकते हैं कि 9167 फिट आया। तो आप इसको 9.9167 फिट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 10 फीट 1 इंच को आप, यहाँ पर 10 फीट का हो गया और 1 इंच को जब आपने फिट में कन्वर्ट किया तो 0.0833 फिट आया। तो इसी तरीके से आप सभी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिट में कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपको प्लास्टर का एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लेंथ इंटू हाइट। तो प्लास्टर की लेंथ यानी कि लंबाई की बात करें तो 9 फीट 11 इंच थी, इसको जब हमने फिट में कन्वर्ट किया तो ये 9 फीट पॉइंट
9167 फिट आ गया, ठीक है। इनटू हाइट की बात करें तो 10 फिट 11 इंच थी, जिसको हमने पूरी तरीके से जब फिट में कन्वर्ट किया तो 10.0883 आया। तो इसको हम लिख लेते हैं 10.0833 फिट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें प्लास्टर का एरिया पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 99.99 स्क्वायर फिट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा टोटल प्लास्टर वॉल एरिया हो गया, ठीक है, 99.99 स्क्वायर फिट। तो प्लास्टर के पूरे दीवार का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको मेजर विंडो यानी कि दीवार में जो विंडो या फिर डोर है या फिर वेंटिलेशन है उसका मेजरमेंट आपको लेना पड़ेगा। और इस दीवार में डोर या फिर वेंटिलेशन लगा होता तो हम उसका भी मेजरमेंट करते, बट इस दीवार में ओनली और ओनली विंडो लगी हुई है तो हम इस विंडो का मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए हम इस छोटे से टेप से इस विंडो का मेजरमेंट करते हैं। तो विंडो की लंबाई आप देख सकते हैं कि 2 फिट 5 इंच है। आप ध्यान से देख लीजिए, 2 फिट 5 इंच है। तो हमने यहाँ पर 2 फिट 5 इंच लिख लिया। इसी तरीके से यदि हम विंडो की हाइट की बात करें तो चलिए विंडो की हाइट भी माप लेते हैं। तो विंडो की हाइट मापने के बाद आप देख सकते हैं कि विंडो की जो हाइट है वो 2 फिट है। तो चलिए हम विंडो की हाइट 2 फिट लिख लेते हैं। तो विंडो की लंबाई और ऊंचाई मापने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट ऑल इंच यूनिट 2 फिट यानी कि जितनी भी इंच की यूनिट है आपको फिट में बदल देना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस विंडो को मापने के बाद केवल विंडो की जो लंबाई है उसमें 2 फिट 5 इंच आया। तो इस 5 इंच को हमें फिट में कन्वर्ट करना है। और यदि हम विंडो की हाइट की बात करें तो हाइट में आप देख सकते हैं कि हाइट केवल 2 फिट आई है, तो यहाँ पर कोई इंच वाला चक्कर नहीं है। तो केवल हमें इस 5 इंच को फिट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, इंच डिवाइड बाई 12 यानी कि इंच की वैल्यू को यदि आप 12 से भाग दे देंगे तो इंच की वैल्यू फिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस 5 इंच को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 5 डिवाइड बाई 12 आप देख सकते हैं 0.4167 फिट आ गया, यानी कि 5 इंच में 0.4167 फिट होते हैं, ठीक है। तो अब हम इस 2 फिट 5 इंच को 2.4167 फिट लिख लेंगे। तो विंडो को मापने के बाद जितनी भी यूनिट इंच में आपको मिली थी उसको फिट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको विंडो का एरिया निकालना है। तो विंडो का भी एरिया निकालने का सेम फॉर्मूला होता है, लंबाई इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। तो विंडो के लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं 2.4167 फिट है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2.4167 फिट इंटू विंडो की जो हाइट है आप देख सकते हैं 2 फिट है। तो विंडो की हाइट यहां पर हम 2 फिट लिख लेंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करके विंडो का टोटल एरिया निकाल लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 4.833 स्क्वायर फिट आ गया, यानी कि विंडो का जो टोटल एरिया है 4.833 स्क्वायर फिट हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद अगले स्टेप में ओनली प्लास्टर एरिया यानी कि केवल और केवल आपको प्लास्टर का एरिया निकालना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप इस दीवार में देख सकते हैं कि इस दीवार में एक विंडो यानी कि खिड़की है, और जहां पे खिड़की होती है उस एरिया में प्लास्टर नहीं होता। तो टोटल दीवार के एरिया में आपको खिड़की का एरिया माइनस कर देना होता है। माइनस करने के बाद ही आपको यह पता चलता है कि प्लास्टर का टोटल एरिया कितना है। तो ओनली प्लास्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि प्लास्टर वॉल एरिया यानी कि जिस दीवार पर प्लास्टर हुआ है उस दीवार का एरिया आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर निकाल रखा था, माइनस विंडो का एरिया यानी कि दीवार में जो विंडो है उसका एरिया आपको माइनस करना है। तो दीवार में जो विंडो थी उसको हमने यहाँ पर निकाल रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम प्लास्टर वाली दीवार का टोटल एरिया यहाँ पर लिखते हैं। तो 99.99 स्क्वायर फिट आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने वॉल का टोटल एरिया निकाला था 99.99 स्क्वायर फिट था, ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। माइनस विंडो का एरिया, आप देख सकते हैं कि इस दीवार में एक विंडो है, विंडो को मापकर हमने यहाँ पर एरिया निकाला था, तो इस एरिया को हम माइनस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 4.8334 स्क्वायर फिट। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 95.1566 स्क्वायर फिट आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं
यानी कि इस दीवार में यदि हम विंडो का एरिया घटा दें तो टोटल इतने एरिया में प्लास्टर हुआ है। तो इसी मेथड को फॉलो करके आप किसी भी दीवार में होने वाले प्लास्टर का एरिया निकाल सकते हैं। वो प्लास्टर का एग्जैक्ट एरिया निकालने के बाद चलिए हम लेबर चार्ज निकालते हैं। तो लेबर चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि प्लास्टर एरिया इंटू 1 स्क्वायर फीट वर्क चार्ज, यानी कि वॉल पर जितना प्लास्टर हुआ है और 1 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने का रेट। तो यहाँ पर जो प्लास्टर वर्क हुआ था यदि हम इसके रेट की बात करें तो 17 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ है, यानी कि 1 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने का जो रेट है 17 रुपये स्क्वायर फीट है। तो चलिए हम इस फॉर्मूले पर सभी वैल्यू को रख देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि लेबर का कुल कितना पैसा हो गया इस दीवार को बनाने का। तो टोटल प्लास्टर एरिया आप देख सकते हैं 95.166 स्क्वायर फीट है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 95.1566 स्क्वायर फीट इंटू 1 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने का जो रेट है 17, यानी कि 17 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो चलिए हम इन दोनों का गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना पैसा हो गया। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1617 रुपये हो गया। तो इस दीवार पर प्लास्टर करने का 1617 रुपये हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी प्लास्टर वर्क का रेट निकाल सकते हैं। चलते चलते आपके लिए एक होमवर्क है कि इस 12 फीट बाई 12 फीट की दीवार पर यदि आप 15 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लास्टर वर्क करा रहे हो तो टोटल कितना पैसा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप सॉल्व कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।